हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस बीमारी में कौन सा टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि जब आप कोई रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें आपको कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं जिसके बारे में पता नहीं रहता है। और जब टेस्ट कराना रहता है तो हमें ये नहीं पता होता है कि हमें किस चीज के लिए कौन सा टेस्ट कराना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको सभी टेस्ट के बारे में बताएंगे जो बहुत ही कॉमन है और अक्सर कराए जाते हैं, जैसे कि लीवर के लिए, किडनी के लिए और शुगर के लिए आदि। तो यहाँ पर हमारा जो पहला टेस्ट है सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड टेस्ट, जो बहुत ही कॉमन टेस्ट है, जो लगभग सभी को कराना पड़ता है जब भी कोई बीमारी हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होता है। तो ऐसी कंडीशन में सीबीसी कराया जाता है जिसमें हम ये जान पाते हैं कि हमारा खून कितना है, हमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है। और इसमें इसमें जो हमें देखना रहता है जो है हीमोग्लोबिन, और दूसरा जो है लिम्फोसाइट, जो तीसरा है इसिनोफिल्स एंड प्लेटलेट्स। तो हमारे हीमोग्लोबिन से ये पता चलता है कि हमारे अंदर कितना खून है, और लिम्फोसाइट से ये पता चलता है कि हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और इसिनोफिल्स से ये पता चलता है कि हमारे बॉडी में कोई एलर्जी तो नहीं है, और प्लेटलेट्स से ये पता चलता है कि हमें कोई डेंगू या टाइफाइड बीमारी तो नहीं है। और हमारा जो नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट है वो है लिपिड टेस्ट या लिपिड प्रोफाइल। इसमें जो नॉर्मल दो चीजें देखी जाती हैं, पहला जो रहता है कोलेस्ट्रॉल एंड जो दूसरा रहता है ट्राइग्लिसराइड देखते हैं। इस टेस्ट को हमें तब कराना पड़ता है जैसे ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिसमें जो मोटे हो जाते हैं, या जिसमें जो रहता है लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है या वसा बढ़ जाता है, या फिर जिसमें हार्ट वाली प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें ये टेस्ट कराना होता है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, उसको जानने के लिए हमें इसका टेस्ट कराना पड़ता है। क्योंकि जो वसा या कोलेस्ट्रॉल होती है ये हमारे खून की नलिकाओं को जाम कर देती है या उसमें जम जाता है, जिससे हमें दिक्कत हो सकती है। और हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है ये एलएफटी टेस्ट यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसको हम लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। इसके द्वारा हम जान पाते हैं कि हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो नॉर्मल हम इसमें जो रहता है दो चीज़ें देखते हैं, पहला जो देखते हैं बिलिरुबिन एंड जो दूसरा रहता है SgO2 एंड जो रहता है SGPT। यदि किसी को किसी का जो बिलिरुबिन रहता है बढ़ जाता है तो हम मान लेते हैं उसे पीलिया या जॉन्डिस हो चुका है, और इसी तरह से SgO2 और SGPT हम जान पाते हैं कि हमारे लीवर में कोई जो प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर हमारा लीवर कितना जो रहता है काम कर रहा है। और हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है TFT, इसका जो फुल फॉर्म होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो इस टेस्ट के द्वारा हम जान पाते हैं कि किसी को थायराइड तो नहीं है। थायराइड हो जाता है तो इसमें जो रहता है दो तरह का होता है, पहला जो रहता है हाइपर थायराइड और दूसरा जो रहता है हाइपो थायराइड। जब किसी व्यक्ति को हाइपो थायराइड हो जाता है तो उसका जो रहता है वेट बढ़ जाता है। तो ये जानने के लिए हमें TFT यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना पड़ता है। और इसमें जो रहता है TNHS की वैल्यू जब देखते हैं, TNHS एक जो हार्मोन होता है जिसको थायराइड स्टेबुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 0.55 से लेकर 0.47 तक होता है, इससे ऊपर हो जाता है तो हम मान लेते हैं इसको जो रहता है हाइपोथायराइड हो गया है। और हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है शुगर टेस्ट है। तो ऐसे लोगों को कराना रहता है जिसमें डायबिटिक या शुगर की संभावना होती है, तो उनमें कौन सा टेस्ट कराया जाता है? तो उनमें तीन तरह का टेस्ट कराया जाता है, जिसमें होता है पहला फास्टिंग होता है, और जो दूसरा होता है पोस्ट प्रेनेंडियल PR1 होता है टेस्ट, वो कराया जाता है। और जो तीसरा टेस्ट होता है HbA1c 1 टेस्ट होता है, और फास्टिंग होता है। तो ये टेस्ट जो रहता है खाली पेट कराना पड़ता है, और इसमें वैल्यू जो होती है 100 से कम होती है। और हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। इस टेस्ट के द्वारा हम जान पाते हैं कि हमारे किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जब भी हमारे किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी में जो होता है स्वेलिंग हो जाती है यानी सूजन आ जाती है। तो इस टेस्ट के द्वारा हम तीन चीजें जान पाते हैं, जो पहला होता है क्रिएटिनिन एंड जो दूसरा होता है यूरिया एंड जो तीसरा होता है यूरिक एसिड। तो ये तीनों क्या होती है? ये तीनों जो होता है हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो होते हैं, जिन्हें जो रहता है हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी हमारी जो किडनी होती है किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इनका अमाउंट जो रहता है हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, जिससे हम जान पाते हैं कि हमें किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है या हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है। और हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है यूरिन टेस्ट। तो इसमें आपके यूरिन का सैंपल लिया जाता है, और लैब टेक्नीशियन जो रहता है आपकी यूरिन का एनालिसिस करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं वो देखी जाती हैं, जिसमें होता है ग्लूकोज, प्रोटीन और ब्लड। यानी यदि किसी की यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा मिलता है तो उससे जो रहता है डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है,
और जब प्रोटीन की मात्रा मिलती है तो ये देखने को मिलता है कि उसकी जो किडनी में कोई प्रॉब्लम या कोई इन्फेक्शन हो रहा है। और जो तीसरा है ब्लड, यानी ये किसी के यूरिन में ब्लड देखने को मिलता है, यानी खून देखने को मिलता है, तो उसकी जो पेशाब की नली रहती है कहीं पे डैमेज हो चुका है या डैमेज या कोई इन्फेक्शन है, और या यूटीआई के कारण भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आप कोई और अन्य टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।